हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल और यह है जिज्ञासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो। जिज्ञासा हमारी डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज है, जिसके माध्यम से आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदू मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, पीआरएस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इन्हीं इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर से यूपीएससी रेलेवेंट आर्टिकल्स हम चुनते हैं और चुने हुए आर्टिकल्स के अंदर से क्वेश्चंस बना के आपके सामने ला रहे हैं। यूडाइस प्लस, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, रेड पांडा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, जेंडर सोशल गैप इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के पेपर्स में से डिराइव करे गए हैं। इनके ऊपर हम डिस्कशन भी कर लेंगे, आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देंगे। डेली बेसिस पे आपको जिज्ञासा देखनी चाहिए, पुरानी भी आगे की भी नहीं। तो पांच पांच टॉपिक आप रोज रोज सीखते हुए चलेंगे नए वाले, और आपका जो नॉलेज एक्सपेंशन है एग्जाम के हिसाब से वो होता रहेगा, और सारी सारी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हो जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी एक चीज होती है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी दूसरी चीज होती है। जिन बच्चों ने जवाब दिए हैं जो मैंने जिज्ञासा के अंदर पूछे थे, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। सिविल सर्विसेज गोल, विजय लक्ष्मी, प्रशांत दाबी, विश्वजीत बिस्वाल, गुलराज पठान, पूनम पुरोहित, दिनेश। मैं डेली बेसिस के ऊपर जो जिज्ञासा करवाता हूं तो उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं एक्टिव लर्निंग करवाने के लिए, और उन सवालों का जवाब जो लोग ढूंढते हैं तो उनका काफी ज्यादा इसका फायदा होने वाला है। राजेश चौधरी, मानसु चबुकसवार, सचिन, आकाश, शिल्पी ओझा, एज वेल एज धीरज गुप्ता, सतबीर कुमार, रितु सिंह, हेमा प्रधान, शेर खान, महेंद्र कुमार, विशेष कथारिया। आप देख सकते हैं कि इतने लोग जवाब दे रहे हैं आज की जिज्ञासा के अंदर। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस जो कि मैं करवा रहा हूं, उसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिनके जवाब आपको ढूंढ के कमेंट करने चाहिए, जो एक्जैक्टली आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी दोस्तों, और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर उठ के आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो 500,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ के काम करने लग रहे हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो मैं आज पूछने वाला हूं एज होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवाने लग रहा हूं। आज के द हिंदू के अंदर यूडाइस प्लस के बारे में बात करी गई है। आज के हिंदू के अंदर एक इंपॉर्टेंट सर्वे के बारे में बात करी गई है, यूडाइस प्लस उसका नाम है। उसी सर्वे के बारे में मैंने आपको तीन स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली चीज आपको यह बता रही है कि यूडाइस प्लस क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री के ऊपर। दूसरी चीज आपको बता रही है कि यूडाइस को डेवलप करा है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने। तीसरा चीज आपको बताया जा रहा है कि यूडाइस प्लस के माध्यम से रियल टाइम डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स विजुअलाइजेशन, एज वेल एज जीआई मैपिंग एंड थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ द कलेक्टेड डेटा होता है। यानी कि ये सारे सारे फीचर्स यूडाइस प्लस के हैं। अब आपको डिसाइड करना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ट्रैप्स कौन से हो सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इसको नेशनल जो आपकी एनआईसी करके बॉडी है, नेशनल इंफॉर्मेशन जो एनआईसी करके बॉडी है, उसने डेवलप करा है, ना कि नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलप करा है। ऐसा हो सकता है कि ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का डेटा कलेक्ट नहीं कर रही है, शायद ये स्कूल्स का डेटा कलेक्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है कि हाँ ठीक है, रियल टाइम डेटा कलेक्शन वगैरह तो है लेकिन जीआईएस मैपिंग और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इसके फीचर्स नहीं है। इस प्रकार से ट्रैप्स की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आपको सोचना है, समझना है, डिसाइड करना है कि यूडाइस प्लस क्या है। यदि आपने आज का द हिंदू उठा के पढ़ा है, हल्का सा भी पढ़ा है, तो आपको शायद मालूम रहेगा कि यूडाइस प्लस क्या है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ऑप्शंस आपके सामने सजा दिए गए हैं। आप अपना आंसर को कमेंट करेंगे, बताएंगे कहां पर गलती हुई। आंसर मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, आप अपना आंसर अपने मन में लॉक कर लीजिए। आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आंसर इस क्वेश्चन का है बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एन यू EPA, that is National University for Educational Planning and Administration, इसको डेवलप करा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रियल टाइम डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स विजुअलाइजेशन, GIS मैपिंग एज वेल एज थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ द कलेक्टेड डेटा, ये सारे सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। लेकिन ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम नहीं करता है, ये स्कूल्स के ऊपर काम करता है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काफी दुखद जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, काफी घटिया लेवल की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ओनली 56% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया हैव इलेक्ट्रिसिटी, लेस देन 57% ऑफ स्कूल्स हैव प्लेग्राउंड, ऑलमोस्ट 40% ऑफ स्कूल डिड नॉट हैव अ बाउंड्री वॉल। ये बात मैं आपसे करने लग रहा हूं 2017-18 के यूडाइस सर्वे के अंदर से निकली हुई इंफॉर्मेशन की, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन HRD ने हाईलाइट करी और पूछा है सरकार को कि ये सारी चीजों को कब सुधारा जाने वाला है। आप समझ सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, इतने सारी चीजों को करवाने के बावजूद हमारा स्कूल लेवल का इंफ्रा कितनी ज्यादा खराब हालत के अंदर, आप ये चीज देख सकते हैं। इसी के अंदर बात करी गई थी यूडाइस की, और यूडाइस क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। यूडाइस क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है स्कूल्स के बारे में इन द कंट्री। यूडाइस प्लस हाल फिलहाल के अंदर लॉन्च करा गया, जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेगा, एनालिटिक्स विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जीआईएस मैपिंग करवाएगा, स्कूल रिपोर्ट कार्ड डेवलप होगी, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा, राइट। और इसको डेवलप करा गया है NUEPA द्वारा, दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चलने लग रहा है अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, MOHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम चलने लग रहा है। दिस इज ऑल अबाउट यूडाइस प्लस, इट इज वन ऑफ द
मोस्ट फंडामेंटल ब्लॉक्स विच इज हेल्पिंग अस टू गेट इन्फॉर्मेशन. ये बहुत अहम चीज है जिसके माध्यम से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने लग रही है कि हमारे स्कूल लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या काम होने लग रहा है, क्या काम नहीं होने लग रहा है. काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्ची होता है ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पूरी बताने लग रहा हूँ. तो ये डेटा आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्कूल इंफ्रा की क्या हालत है ये आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपको मेंस में आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा. लेकिन यूडाइस क्या है, यूडाइस प्लस क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के अंदर काम आएगा. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सर्वे है ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर, जो स्कूल्स है उसका इंपॉर्टेंट सर्वे है. इसीलिए आपको कभी भी यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है. अभी तक नहीं पूछा है, इसीलिए आगे चलते हुए इसके ऊपर क्वेश्चनिंग होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बन जाती है. अब आपको अगर कोई यूडाइस यूडाइस प्लस के बारे में बात करें, तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जैसे ही आपने देखा सीधा सीधा आप उसको हटा दीजिए, ऑप्शन आपका बी आ जाता है. आपको कुछ और मालूम है नहीं है, इनमें से एक भी चीज मालूम है और आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हो तो आपका आंसर बी आ जाता है. बट आपको अब सारी चीजें मालूम पड़ चुकी है एन यू ई पी ए के बारे में, एज वेल एज इसके फीचर्स क्या है वो भी आपको पता चल चुके हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, आंसर इज बी. आई होप आपको कोई भी प्रकार का डाउट इसके अंदर नहीं है. आगे बढ़ते हैं. यही चीज आपको मेंस के अंदर काम है कि ये शीट को आपको प्रिंट आउट करके आपकी जी एस टू की फाइल के अंदर लगाना चाहिए. आई होप कि जो हम आपको मेंस ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी परिश्रम टेस्ट सीरीज के अंदर, एज वेल एज जिज्ञासा के अंदर, उसको आपने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 1 जून से आपको मेंस की तैयारी करनी है, चाहे आप हमारे साथ मेंस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए. इंपॉर्टेंट चीज ये कि मेंस फॉर्डर की शीट जो है साल भर की आपकी मेहनत है, इसको आपको इकट्ठा करके रखना है. सारी सारी चीजें इसमें बता रखी है. पैनल ने बोला है कि मनरेगा के साथ ही मिलकर बाउंड्री वॉल बना लो. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी को बोला भाई तुम ही कुछ करवा दो, स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करवा दो, कुछ इंतजाम कर दो. तो पॉइंट ये है कि आपको इस प्रकार से सजेशन देना आना चाहिए. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं 2016 के अंदर, थोड़ा टेंजेंट के ऊपर जाके क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा था कि प्रोफेसर अमर्त्या सेन ने काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सजेस्ट करे हैं, एडवोकेट करे हैं प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए. क्या है उनके रिफॉर्म्स, क्या है उनके सजेशंस, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सजेशंस देने हैं कि स्टेटस और परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है. ये आपके जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन से भी रिलेटेड है, आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से भी रिलेटेड है, पेडागॉजी से भी रिलेटेड है, सारी चीजों से रिलेटेड. तो दोस्तों आपको इसके बारे में सोचना है कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है. दूसरी चीज़ आपको ये सोचनी है कि जो इंडिया के अंदर प्राइमरी लेवल के ऊपर स्कूल एजुकेशन के लिए जो स्कीमें चलाई जाने लग रही है, तो वो कौन सी स्कीमें चलाई जाने लग रही है. वो 3-4 स्कीम आप निकालिए और वो 3-4 स्कीम के फीचर्स आप निकालिए, तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर डालने के अंदर भी काम आएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन वापस से आता है, जो कि आ सकता है. और वो स्कीम के ऊपर अगर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको काम आएगा. तो सबसे पहला होमवर्क आपका ये है कि कुछ नहीं करना है, गूगल के अंदर आपको PIB प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम आप टाइप करेंगे, तो आपको सारी सारी इंपॉर्टेंट स्कीमें आ जाएगी कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट स्कीम है. तो उसके अंदर से आप जो भी आपको अच्छा लगे सिलेक्ट करके आप डालिए, या आप अपनी मेमोरी के अंदर से करिए. जो भी है ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अपार्ट फ्रॉम एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है. हमने आपके लिए स्थापना प्रयास के साथ साथ दोनों को जोड़कर जो है इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम लॉन्च करा हुआ है. 8 AM पे हम आपके लिए स्थापना वीडियो रिलीज करते हैं, जिसके अंदर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं. एक सब्जेक्ट के ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट पूरा चालू हो चुका है. 8 PM पे वही सब्जेक्ट्स जो हमने आपको स्थापना के अंदर मॉर्निंग में सिखाए हैं, 8 PM पे हम आपको उससे क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जा सकते हैं. इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाते हैं. तो 8 AM पे आप स्थापना देख लीजिए, 8 PM पे प्रयास देख लीजिए, और इस प्रकार से आपका इंटेंसिव रिविजन जो है UPSC के हिसाब से हो जाएगा. और यदि आप आगे के कैंडिडेट हैं तो आपका फाउंडेशन बनना चालू हो जाएगा और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा. बिल्कुल भी आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए इस फ्री अपॉर्चुनिटी को यूट्यूब के ऊपर जुड़ के हमारे साथ और बेहतर काम करने की. टर्म स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में आज बात करी गई है न्यूज़पेपर्स के अंदर. स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत ही बडिंग टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है. आपको सिर्फ इतना बता देना है कि ये जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टर्म यूज़ करा जाने लग रहा है प्रेस के अंदर, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में यूज़ करा जाने लग रहा है. इस प्रकार का सिंपल सवाल UPSC ने पहले भी पूछा, और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने आपके लिए ये सवाल बनाया है कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट WTO, UNSC, WHO और IPCC, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं. स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टर्म इन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में रिपोर्ट करा गया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रेज हमारे को, टर्म हमारे को देखने को मिलता है. तो जो भी आपका आंसर है लॉजिकली आप सोचिए, आपको आंसर मिलेगा. आंसर आप चूज कर सकते हैं. अगर आपने गलत आंसर चूज करा तो बताइएगा कि क्या गलती हुई है, उसके दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगा कि ये गलती मेरे से हो गई, एग्जाम में वापस से आपसे गलती नहीं होगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन कि क्या गलत हुआ था. तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल
स्टेटमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इस क्वेश्चन का है WTO एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम चाहते हैं कि दुनिया भर की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको सहायता मिलनी चाहिए, उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, राइट। उनके लिए डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ करना चाहिए, दुनिया को कुछ करना चाहिए, ताकि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज जो है रेस के अंदर आगे आ सके, जो है अपने लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके, अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सके, सारी चीजों को इंप्रूव कर सके। तो वही चीज का डिस्कशन जो है WTO फोरम के अंदर होने लग रहा है कि अभी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। कजाकिस्तान के अंदर जून के अंदर ये मीटिंग होने वाली है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होने वाली है। ये दिस इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO। WTO के प्रोविजन अग्रीमेंट के अंदर ये SDT यानी कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रोविजन है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, रियली पुअर कंट्रीज है, LDCs है, उन्हें ज्यादा टाइम मिलेगा इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेड निगोशिएशन, ट्रेड अग्रीमेंट्स, उन्हें ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मुहैया करवा के दी जाएगी। WTO मेंबर सेफगार्ड करेंगे उनके इंटरेस्ट्स को। डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी को बिल्ड करा जाएगा सच दैट कि वो डिस्प्यूट को हैंडल कर सके, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को यू नो फॉलो कर सके, एज वेल एज जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको भी ध्यान में रख के काम करा जाएगा। अभी तक का हाल फिलहाल का चलन ऐसा है कि जो भी मेंबर चाहे वो अपने आप को एज डेजिग्नेट कर सकता है एज डेवलपिंग कंट्री, और वो ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। उनका ये कहना है कि ये जो मैकेनिज्म है इसको हमारे को थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आगे बढ़ चुकी हुई डेवलपिंग कंट्रीज है, रिचर डेवलपिंग कंट्रीज, और उनका निशाना खासकर इंडिया की तरफ रहता है जब वो ये चीज़ बोलते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अन्य कंट्रीज को उठाने देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का विकास हो चुका है, इंडिया काफी आगे निकल चुका है डेवलपमेंट के अंदर, अब इंडिया को ऑटोनॉमसली अपने पैरों पे खुद ब खुद जो भी करना है करना चाहिए, ना कि ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार का निगोसिएशन WTO में होने वाला है, आपके एग्जाम के बाद होने वाला है। UPSC की रेपुटेशन बहुत अच्छी है कि वो आगे देखते हुए चीजों को आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जून के अंदर कजाकिस्तान के अंदर मीटिंग होने वाली है, आप इसको तो ध्यान रखिए ही रखिए, प्लस आप समझ भी लीजिए कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है। मोटी बात यह है कि US अब नहीं चाहता है कि कोई भी इसका फायदा उठा ले, और ऑब्वियसली इंडिया का स्टैंड ये रहेगा कि हमारे को कुछ साल और तक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट शायद मिलते रहना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स वाले हैं। बी दैट एज इट में, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको मालूम पड़ चुका है। इट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी पॉइंट पर मैं आपको दूसरा होमवर्क दूंगा, बहुत ही सिंपल। WTO कब बना था, क्यों बना था, राइट, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, जो टॉप मोस्ट उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है, और इस प्रकार से जो बेसिक चीज़ें हैं WTO के बारे में वो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए कि हाँ, GATT का जो है हमारा यू नो सक्सेसर WTO है, ये 1994 या 1995 में बना था, 1996 में, जब भी जिस भी ईयर में बना था उस ईयर में बना था, इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पर लोकेटेड है। WTO के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसको ऐसे रिजॉल्व करा जाता है, WTO की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो ये है। तो ये आप अपने पुराने नोट्स जिज्ञासा के अंदर से भी निकाल कर बता सकते हैं, अपनी मेमोरी में से बता सकते हैं, और आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पे देख के बता सकते हैं। नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए, दैट इज द ओनली एजेंडा। 2-3 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है कोई भी होमवर्क के ऊपर। WTO वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, उसके पहले आपको मैंने प्राइमरी स्कीम्स का काम दिया है, और अब मैंने आपको WTO का काम दिया है। तो आंसर इसका बन जाता है ए, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिजनेस लाइन का, जो कि हिंदू का ही पब्लिकेशन है। इस आर्टिकल को आप जरूर ओपन करके पढ़िएगा, बड़ा शानदार आर्टिकल, आपको बड़ा मजा आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन हमारे को डिस्कस करना है रेड पांडा के बारे में। आज के हिंदू के अंदर रेड पांडा के बारे में बहुत ही अच्छा और शानदार आर्टिकल छपा है, के अंदर से मैं ये सारी इंफॉर्मेशन निकालकर आपके सामने लाया हूं, और क्वेश्चन भी आपके सामने बना के रखा हूं मैं। रेड पांडास जो है 4 इंडियन स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, एज वेल एज वेस्ट बंगाल, और इन्हें लिस्ट कराया गया है एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। क्या ये एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको सोचना है। क्या ये अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, या ये साउथ इंडियन स्टेट्स में पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ पाए जाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको इस चीज को नोट करना चाहिए कि वो कहां पाए जाते हैं और उनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग रेड पांडा। तो आपका जो भी आंसर उसको आप लॉक करेंगे, शेयर करेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इस क्वेश्चन का है सी, दैट इज बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू द कंप्लीट थिंग अबाउट रेड पांडा। अब रेड पांडा की जो ट्रैफिक वालों ने जो हमारे को रिपोर्ट दिया है, व्हाट इज ट्रैफिक, ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। आप ट्रैफिक क्या है उसके बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए।
कि ये एक बेसिकली ग्लोबल लेवल की बॉडी है जो कि नाम से ही समझ में आता है कि क्या कर रही है, कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करने लग रही है, इंश्योर करने लग रही है कि जो वल्नरेबल, जो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनका जो है मतलब जो है किलिंग वगैरह नहीं होने लग रही है, उनकी तस्करी नहीं होने लग रही है, उनका इस प्रकार से मिसयूज नहीं करा जाने लग रहा है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया एंड सिलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्रीज। तो रेड पांडा जो है इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, चाइना, नेपाल, भूटान वगैरह के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे को जो रेड पांडा देखने को मिलता है वो इंडिया और चाइना के अंदर देखने को मिलता है, और इंडिया के अंदर भी हमारे को वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब रिपोर्ट ये कहने लग रही है, अच्छी बात यह है कि रेड पांडा को इन इटसेल्फ नहीं मारा जा रहा है, यानी कि रेड पांडा की रिक्वायरमेंट के लिए रेड पांडा को नहीं मारा जा रहा है कि रेड पांडा का मीट चाहिए, रेड पांडा का फर चाहिए, इसीलिए रेड पांडा की किलिंग नहीं हो रही है। रेड पांडा बिचारा क्यों खत्म हो रहा है, रेड पांडा के ऊपर खतरा इसलिए क्योंकि जो अन्य एनिमल्स को मारने के लिए जो जाल बिछाया जाता है उसके अंदर जाकर रेड पांडा फंस जाता है, जिसकी वजह से जो है रेड पांडा का जो है नंबर थोड़ा सा डाउन जाने लग रहा है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि रेड पांडा को नहीं मारा जा रहा है, और बुरी बात यह है कि रेड पांडा वन वे और अदर से अभी भी शिकार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और रेड पांडा को यदि हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं या रेड पांडा को हम सिक्योर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रेड पांडा का घर को हम सिक्योर कर लेंगे। तो रेड पांडा रहता कहाँ पर है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट है एज वेल एज ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडली फॉरेस्ट हैं, राइट, उसके अंदर हमारे को रेड पांडा पाया जाता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक। आप टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप क्या प्रोटेक्ट करते हैं, टाइगर के घर को प्रोटेक्ट करते हैं तो ही जाके टाइगर प्रोटेक्ट होएगा। टाइगर के घर को प्रोटेक्ट करने के अंदर क्या होता है कि 10,000 प्रकार की स्पीशीज और प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो टाइगर के घर के अंदर रहते हैं। उसी प्रकार से रेड पांडा को यदि आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो रेड पांडा का घर आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब आपने रेड पांडा का घर प्रोटेक्ट कर लिया तो उस घर के अंदर रहने वाले 100,000 जो अन्य स्पीशीज है उनको भी आपने प्रोटेक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है रेड पांडा। उसको है हमने लिस्ट करा हुआ है एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, खासकर उन चीजों के बारे में जो कि काफी ज्यादा रिपोर्ट करी गई है इन द न्यूज़पेपर्स। यही चीज मैं आपको यहां पर भी दिखाना चाहता हूं कि आप इस लिस्ट को देखिए, राइट, इसके अंदर नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इसका क्या निमोनिक आपने बना रखा है, इसको कैसे आपने याद कर रखा है, ये चीज आप मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि आपने इसको कैसे याद कर रखा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसको कैसे याद कर रखा है। और यही रेड पांडा को हमने एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। रेड पांडा का जो साइंटिफिक नेम है वो ये एल्यूरस फुलगेंस करके उसका जो है साइंटिफिक नेम है, और आप ये देख सकते हैं कि ये उसका घर है, जो शेडेड एरिया है वो उसका घर है। तो द ईस्टर्न हिमालयस पासिंग थ्रू या द ईस्टर्न हिमालयस यानी कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है ऑफ द कंट्री, वहां पर आपको ये देखा जाता है एज वेल एज मेजर पार्ट ऑफ चाइना के अंदर आपको रेड पांडा देखने को मिलता है। द हिंदू का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसको आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपके सामने निकाल के लेकर आ गया हूं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका आर्टिकल भी रीड हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने था अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, एंडेंजर्ड है, बिल्कुल एंडेंजर्ड है, देयरफॉर द आंसर कैन बी ओनली एंड ओनली सी। अगर कल को यूपीएससी के अंदर 4-5-6 स्पीशीज का नाम देकर आ गया और उनमें से पूछ लिया कि एंडेंजर्ड कौन सा है, तो उसके अंदर आपका रेड पांडा जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है इन वेरियस डिफरेंट सिनेरियोस। अब हम बात करेंगे GIS AID की। तो ये GIS AID क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, राइट। तो जो भी फ्लू वगैरह से रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह है सबको शेयर करना चाहिए आपस में, सारे कंट्रीज को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए डेटा शेयर करके, उस प्रकार का ये नाम से समझ में आ रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, राइट। इसके बारे में मैंने दो स्टेटमेंट दे दिए हैं। इसको एस्टैब्लिश करा गया है हाल फिलहाल के अंदर कोरोना आउटब्रेक होने के बाद, कोरोना वायरस का आउटब्रेक होने के बाद इस GIS AID को एस्टैब्लिश करा गया है ताकि फटाफट जो है डेटा कलेक्ट करा जा सके फ्रॉम वेरियस डिफरेंट कंट्रीज कि वायरस का क्या फॉर्म है, क्या उसके म्यूटेशंस है, क्या उसके अंदर चेंजेस देखे जाने लग रहे हैं, किस प्रकार का मतलब उसका जीनोम में कैसे उसको टैकल करा जा सकता है, सारी चीजों को शेयर करने के हिसाब से कोरोना वायरस का आउटब्रेक के बाद GIS AID को बनाया गया है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इज द ऑफिशियल होस्ट ऑफ द GIS AID प्लेटफॉर्म, ऐसा आपको बोला जाने लग रहा है। इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करने की यह है कि इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो आपको यह चलना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि नहीं ये कोरोना के टाइम से नहीं बना है, काफ़ी पहले से बना हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नहीं कि ये जर्मनी के अंदर नहीं, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल उसके अंदर इसको ऑफिशियली होस्ट करा गया है या फिर इंडिया के अंदर होस्ट करा गया है फॉर दैट मैटर। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे GIS AID के बारे में, जो कि आज के न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट करा गया है, इनफैक्ट कल के यानी कि संडे के न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट करा गया था ये। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे,
आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इस क्वेश्चन का है ए, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि जनवरी 2006 के अंदर जब बर्ड फ्लू वगैरह बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था दुनिया के अंदर, तब हमने रियलाइज करा था कि जो जेनेटिक सिक्वेंसिस वगैरह का जो डेटा है, जो अन्य अन्य कंट्रीज के अंदर डेवलप होने लग रहा है, डेटा जो बनने लग रहा है, वो डेटा शेयर नहीं होता है। तो जब डेटा शेयर नहीं होता है तो इट इज लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील हो जाता है कि आपकी कंट्री में पूरा पूरा सिक्वेंसिंग वगैरह हुआ लेकिन आपने उस शेयर नहीं करा। मेरे कंट्री के अंदर मान लीजिए कोई और चीज का सिक्वेंसिंग हुआ, मैंने शेयर नहीं करा, तो अगर मान लीजिए मेरे को आप वाली चीज का डेटा अच्छी तो आप शेयर नहीं कर रहे, तो मेरे को अपना वापस करना पड़ेगा। मेरी वाली चीज का डेटा मैं शेयर नहीं कर रहा हूं तो आपको वापस अपने आप करना पड़ेगा। एकदम बेवकूफी वाला काम है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को ध्यान में रखते हुए डिजीज को हमारे को मारना है, तो उसके अंदर डेटा तो शेयर होना चाहिए ना। तो डेटा शेयर होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, वो GIS EID प्लेटफॉर्म बना। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने, द हिंदू वालों ने क्या करा, थोड़ी सी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट निकाली और उसमें बोला कि इंडिया वालों के पास दो नॉवेल कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सिक्वेंस डेटा करके पड़ा हुआ है, लेकिन वो इंडिया वालों ने अभी तक क्या ना दुनिया के साथ शेयर नहीं करा हुआ है। ताबड़तोब जैसी रिपोर्ट आई तो इंडिया वालों ने क्या करा, NIV वालों ने वो डेटा को शेयर कर दिया और हिंदू वालों ने वापस से उस चीज को पब्लिश करा कि हाँ देखो हमने रिपोर्ट करा था। उसके बाद जाके NIV वालों ने जो डेटा है वो GIS AID के साथ शेयर करा है। तो इस प्रकार से GIS AID का नाम जो है वो मीडिया के अंदर काफी ज्यादा उछल गया और मैंने आपके सामने उछाल के आपको पूरी पूरी चीज बता दी। तो ये GIS AID प्लेटफॉर्म क्या है, बेसिकली 61st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2008 के दौरान इसको लॉन्च करा गया था। डेटा शेयर नहीं हो पा रहा था, मेंबर स्टेट्स के कुछ कंसर्न्स थे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है डेटा शेयरिंग का ये प्लेटफॉर्म हमने बना लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर्स एज वेल एज नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर्स, राइट। और जो WHO का ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो रिस्पॉन्ड कैसे करना है, राइट, सर्वेलेंस जो होने लग रही है, तो डेटा जो जनरेट होने लग रहा है वो डेटा अक्यूमुलेट होना चाहिए, और रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो सारी चीजों के अंदर हमारे को ये GIS AID काफी ज्यादा हेल्प करता है। और वही GIS AID के डेटा के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कैसे हमारे को रिस्पॉन्ड करना है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ उस एंगल से आपको कवर करवाने लग रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इवॉल्विंग टॉपिक है और ये टॉपिक इवॉल्व होते होते 5000 प्रकार के टॉपिक्स और इवॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे को सारी चीजों के बारे में जो है जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आपको सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेकर समझना है। देख लीजिए GIS AID का घर जो है वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जो कि ऑफिशियल होस्ट है GIS AID प्लेटफॉर्म का। 2013 के अंदर यूरोपियन कमीशन ने रिकॉग्नाइज करा था GIS AID को एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर बनाया था प्रीडेमिक्स के अंदर, प्रीडेमिक्स कंसोर्शियम के अंदर। प्रीडेमिक्स क्या है, प्रिपेयर करना है, प्रिडिक्ट करना है, प्रिवेंट करना है इमर्जिंग जूनॉटिक वायरसेस। जूनॉटिक वायरसेस का मतलब आप जानते होंगे, जूनॉटिक मतलब यानी कि जो एनिमल से डिजीज इमर्ज होती है उस प्रकार की डिजीज को हम जूनॉटिक वायरस या जूनॉटिक डिजीज कहते हैं, विथ पैंडेमिक पोटेंशियल। जैसे पैंडेमिक यानी कि पैंडेमिक एक प्रकार का वर्ड है अंग्रेजी का, जिससे आपको डरना नहीं है। पैन मतलब ऑल, डेमिक यानी कि, तो पैंडेमोस करके होता है, तो डेमोस यानी कि पीपल, आप और मैं जैसे पीपल हो गए, पैन यानी कि ऑल, तो ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड को जो डिजीज मार सकती है या डिजीज खतरा पहुंचा सकती है उस प्रकार की डिजीज को हम पैंडेमिक डिजीज कहते हैं, करेक्ट। तो पैंडेमिक प्रकार की जो डिजीजेस जिनकी पोटेंशियल है, उन प्रकार की डिजीजेस को हराने के लिए हमने ये प्रीडेमिक्स कंसोर्शियम बना रखा अंडर यूरोपियन कमीशन। क्वेश्चन आपको प्रीडेमिक्स के पर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको जो है इससे रिलेटेड GIS RS से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको GIS AID से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कोई भी लेवल पे आपको क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। GIS AID का क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया है, कोरोना वायरस का इससे कोई लेना देना नहीं, 2008 में हम इसको बना चुके हैं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इसका घर है, देयरफॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकम्स वन ओनली, आंसर बिकम्स ए। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर कोई भी चीज के अंदर। मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, जेंडर सोशल गैप इंडेक्स किसने निकाला है। सिंपल क्वेश्चन है, UPSC ने इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं और हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं इस प्रकार के। जेंडर सोशल गैप इंडेक्स जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है, किसने निकाला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, UNDP ने, OECD डेवलपमेंट सेंटर ने, या यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी ने। आपको आंसर बता देना है कि किसने जेंडर सोशल गैप इंडेक्स को निकाला है। तो जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक कर लेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इसका है बी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है आपका जेंडर सोशल गैप इंडेक्स निकाला है, और इसके अंदर काफी बेकार बेकार प्रकार की बातें हमारे बारे में हमें बताई गई है, जो कि एकदम सच है कि 86% ऑफ द वुमेन हैव सम काइंड ऑफ बायस अगेंस्ट वुमेन, 90% ऑफ द मेन हैव सम काइंड ऑफ बायस अगेंस्ट वुमेन। कई लोगों को सोचने में आश्चर्य होता है कि औरतें औरतों के अगेंस्ट कैसे रहती है, अगर आप हमारे घरों के अंदर झांक कर देखें, राइट, तो नई बहुओं की सबसे बड़ी दुश्मन सासें होती है, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पॉइंट यह है कि मतलब कोई भी लेडीज को दूसरी लेडीज पसंद नहीं होती। तो इस प्रकार की जो आइडिया है पेट्रियार्की जो है वो सबके माइंड में होती है, पेट्रियार्की सबको बचपन से सिखाई गई होती है, चाहे मैं हूं आप हो कोई भी लेडी हो, तो लेडीज के ऑल्सो भी पेट्रियार्की
क्लेरिकल और वही चीज को जो सोशियोलॉजी का एंगल है, सोशियोलॉजी ऑप्शन वाले खास इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि 86% वुमेन आर अगेंस्ट वुमेन, 90% आर मेन आर अगेंस्ट वुमेन। इंडिया के अंदर ये नंबर तो और ज्यादा चला जाता है, 97% 99% हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव अच्छा नहीं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव का रोल वुमेन अच्छा नहीं निभा सकती है। कई लोगों को अच्छा लगता है कि जॉब्स की जो प्राइमरी राइट है वो आदमियों की है, कि आदमियों को जॉब मिलना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ जॉब बच जाए तो औरतों को मिलना चाहिए, नहीं तो औरतों के आदमी को जॉब खा रही है तो और आदमियों का घर कैसे चलेगा, इस प्रकार की भावना बहुत सारे लोग रखते हैं, राइट। गवर्नमेंट हेड्स की पोजीशन में औरतें कम है, सीईओस की पोजीशन के अंदर औरतें कम है, ये सारी सारी चीजें हमारे को जेंडर सोशल गैप इंडेक्स बताने लग रहा है, सोशल नॉर्म्स इंडेक्स बताने लग रहा है, जो कि आपका यूएनडीपी ने निकाला है। यही सारा डेटा यहां पर भी आपको प्रेजेंटेड है। इस डेटा के रिलेटेड मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह दिखाना चाहता हूं कि डायमेंशंस इस इंडेक्स के पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी, और उन डायमेंशंस के इंडिकेटर्स यहां पर रख रखे हुए हैं, और उन्हीं डायमेंशन के इंडिकेटर्स को यूज करते हुए हम ये इंडेक्स को बनाते हैं, सारी चीजों को मिक्स करके हमारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स आपका बन जाता है। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जेंडर सोशल गैप इंडेक्स इसको बोला गया है, सोशल नॉर्म्स इंडेक्स इसको बोला गया है, तो इसको किसने रिलीज करा है, इसको यूएनडीपी ने रिलीज करा है। सो आई होप दैट ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन, राइट। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और आपको जो मैंने होमवर्क दिया है रिगार्डिंग WTO एज वेल एज स्कीम्स एज वेल एज ट्रैफिक, उसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।